प्यारे साथियों, मैं हूं आपका भाई बाबा का सेवक अलंकार तोमर। आज हम खड़े हुए हैं श्री खाटू श्याम जी मंदिर मनोना धाम में। आज अपरा एकादशी का एक पावन और शुभ दिन है। आज 2 जून 2024 दिन रविवार का है, क्योंकि आज एकादशी भी है और रविवार का ही दिन है, तो उसका आप परिणाम देख रहे हैं। आज लाखों श्याम प्रेमियों की संख्या मनोना धाम में देखने को मिल रही है। बाबा श्री श्याम के दर्शन करने के लिए सभी श्याम प्रेमी आए। भैया कैसा लग रहा है? आज एकादशी का दिन है, बाबा का प्यार मिल गया है कि नहीं? कितना समय हो गया लाइन में लगे हुए आप? 6 बजे से लगे हुए हैं भैया। 6 बजे से लाइन में लगे हैं और लगभग 11 बजने जा रहा है। 5 घंटे भैया को लाइन में लगे हुए हो गए। 5 घंटे से आप लाइन में लगे हो, कोई आपत्ति दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, यही भक्तों का प्यार है बाबा के लिए। 5 घंटे लाइन में लगे हो भैया को, लेकिन भैया को दिक्कत कुछ नहीं है? थकान तो नहीं हुई है? नहीं, थकान नहीं। आपका थकान तो नहीं हुई है? भक्त इतना इतना लंबा सफर करते हुए तोरण द्वार तक लाइन पहुंच चुकी है। तोरण द्वार से लेकर फिर ये कम से कम 25 रेलिंग होगी यहाँ पर, जो कि सर्पा आकार में है। ये रेलिंग पार करते हुए तोरण द्वार से लाइन आ रही है, उसके बाद में इसको पार करते हुए बाबा श्री श्याम के दर्शन के लिए जा रहे हैं। उसके बाद भी भक्तों में एक नया उत्साह, नया जुनून और एक नया तेज देखने को मिल रहा है। कैसा लग रहा है माता जी आज? सही लग रहा है। थकान तो नहीं हुई है? हाँ। थकान थोड़ी बहुत महसूस हो रही है। हमारे एक भाई हैं, ये प्रदीप भाई हैं, ये भी मनोना धाम में काफी बार आ चुके हैं। बाबा का प्यार इनको लगातार मिलता है। भैया कितनी बार आप आ चुके हो? कोई गिनती ना है। देखिए, कोई गिनती ही नहीं है। यही बाबा का एक प्यार मिलता है सही भक्तों के लिए। कोई बाबा की कृपा आपके साथ में हुई है तो बहुत संतुष्ट होता हूँ। मेरे ऊपर 2-3 कृपा हुई है बाबा जी। अच्छा, तो एक आप एक बता दो बस, जो ज्यादा अच्छी। मेरी पत्नी की पतली थी, वो बाबा की कृपा से बिल्कुल ठीक है। पतली थी? तो पतली मतलब कितनी बड़ी थी, कितने एमएम की पतली थी? ही छोटी छोटी थी, छोटी छोटी थी। लेकिन उनका भी गायब होना, ये भी तो बाबा की एक कृपा ही हुई है, क्योंकि पतली छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन है तो वो पतली। तो देखिए, अभी इस समय कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिए, यही बाबा का प्यार आशीर्वाद भक्तों के लिए मिलता है, जो मनोना धाम में पूरी आस्था, पूरा विश्वास, पूरा भरोसा रखते हैं। आप भी आए मनोना धाम, एक बार बाबा की कृपा को जरूर देखें। बाबा का प्यार मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। और प्यारे साथियों, अब हम चलते हैं मनोना धाम में हो रहे एक से बढ़कर एक चमत्कार की तरफ, और दिखाएंगे अपनी वीडियो में बहुत बड़े बड़े चमत्कार। यहाँ होते हैं बाबा श्री श्याम के लाइव चमत्कार। महंत महाराज जी की कृपा बरसती है यहाँ पर आए हुए तमाम श्याम प्रेमियों पर। और यहाँ के श्याम प्रेमी न केवल भारत वर्ष के, बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड से श्याम प्रेमी यहाँ पर आ रहे हैं और कुछ न कुछ लेकर जा रहे हैं। जो आज बिल्कुल हार गए हैं, एक पैसा भी घर में नहीं बचा है, लाखों रुपए बर्बाद कर चुके हैं, उनके लिए यहाँ पर अभूतपूर्व लाभ मिलता है मनोना धाम महंत महाराज जी का। क्या मैं सही कह रहा हूँ भैया? बिल्कुल सही जी। देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर आया हुआ प्रत्येक श्याम प्रेमी जिसने बाबा की कृपा को महसूस किया है, प्रत्येक श्याम प्रेमी का यही बयान है, यही साक्ष्य है। उस साक्ष्य को देखना है तो आप भी मनोना धाम आओ, जैसा कि ये तमाम श्याम प्रेमी आए हैं बाबा की कृपा को लेने के लिए। और तो बाबा का प्यार इन सभी श्याम प्रेमी को मिल रहा है, तमाम उत्साह, तमाम जोश इन सभी श्याम प्रेमी को देखने को मिल रहा है। जय श्री श्याम, जय मनोना धाम, जय हो महंत महाराज की, जय श्री श्याम। कहाँ से आए भैया? उत्तराखंड चंपावत। उत्तराखंड से भैया आए, कैसा लग रहा है मनोना? बहुत बढ़िया लग रहा है सर, बहुत बढ़िया धाम लग रहा है। बाबा का प्यार मिल रहा है? बहुत बढ़िया जी, बहुत सुंदर। जय जय श्री श्याम। ये तमाम श्याम प्रेमी हैं, कहाँ से आए आप लोग? हम गोला से आए, गोला से आए। गोला से आए हो? कितनी बार आए हो? अभी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। पहली बार आए? आप पहली बार? हम भी पहली बार। यदि श्याम प्रेमी ज्यादातर पहली बार ही आते हैं। हाँ, यूट्यूब है अलंकार तोमर ऑफिशियल। हाँ, जो भी श्याम प्रेमी यूट्यूब पर देखते हैं पहली बार, बहुत मात्रा में श्याम प्रेमी आते हैं। बहन कितनी बार आ चुकी? पहली बार आए। पहली बार आई हूँ। आप कितनी बार आ चुकी? पहली बार। देखा, ये भी पहली बार के बहुत यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कितनी बार आ? पहली बार। ये भी पहली बार। देखिए, यहाँ पर पहली बार की संख्या बहुत ज्यादा है। आप बता बेटा कितनी बार? पहली बार। ये भी पहली बार आई है। देखा, आप सब पहली बार ही आए हैं।
भैया आप कितनी बार आए? पहली बार। भाई साहब भी पहली बार आए हैं, देखा पहली बार की संख्या आपकी फैमिली एक है, पहली बार ही पहली बार पहली बार आए भाई साहब। आप कितनी बार आए? पहली बार आए। कैसा लग रहा है आपको? आप बताओ। पहली बार। वाह भाई वाह, देखा लगातार यहाँ पर हमने 10 लोगों से पूछा, सभी पहली बार आए हैं। आप कितनी बार आए? पहली बार। यहाँ पर आप कितनी बार आए? पहली बार। आप कितनी बार? पहली बार आए। कैसी जानकारी हुई थी आपको? यूट्यूब से। जो भी चमत्कार देख रहा है बाबा श्री श्याम के, वो आज यहाँ मनोना धाम आ रहा है और बाबा का प्यार पाने का पूरा भरसक प्रयास कर रहा है। आप भी मनोना धाम आए, बाबा का प्यार प्राप्त करें। जय श्री श्याम, जय मनोना धाम, जय हो महंती बाबा। दिल्ली से भैया कितनी बार आप मनोना धाम आते? आते रहते सर, दिसंबर से ही जुड़े हुए हैं। हाँ, दिसंबर से अभी तक आ ही रहे। एकादशी का दिन है आज, कैसा नजारा मनोना धाम? अच्छा लग रहा है, बहुत संतुष्टि मिलती है यहाँ के। हाँ मतलब कितनी बार मनोना धाम आना हो गया? कई बार हो गए, गिनती तो नहीं करा है। हाँ कितनी बार आ चुके हैं, बाकी के आते ही रहते हैं, दिसंबर से जुड़े हुए हैं जब से आए। मनोना धाम की हुई आप कृपा तो ये मान के चलो कि प्रभु की कृपा तो हो ही रही है, लगातार हो रही है। हाँ कृपा में तो कोई कमी नहीं है, और बाकी के यहाँ आते हैं तो मन को शांति भी मिलती है और बहुत अच्छा लगता है मनोना धाम में। और बाकी की वीडियो देख के जैसे लगा कि वीडियो में ही ऐसा होता होगा, बाकी के यहाँ जब से आ रहे हैं खुद ही ऐसे देख रहे हैं कि हमेशा ऐसे ही होता है। कैसे जानकारी हुई थी आपको मनोना धाम? आपकी वीडियो देख के। हाँ नजारा लगा? हाँ जैसे वीडियो में दिखाए थे वैसे सेम ही है, और आपको क्या पहले से तो और ज्यादा बेटर हो चुका है। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। आप भैया कहाँ से? लगातार हो रही है। हाँ कृपा में तो कोई कमी नहीं है, और बाकी के यहाँ आते हैं तो मन को शांति भी मिलती है और बहुत अच्छा लगता है मनोना धाम में। और बाकी की वीडियो देख के जैसे लगा कि वीडियो में ही ऐसा होता होगा, बाकी के यहाँ जब से आ रहे हैं खुद ही ऐसे देख रहे हैं कि हमेशा ऐसे ही होता है। कैसे जानकारी हुई थी आपको मनोना धाम? आपकी वीडियो देख के। हाँ नजारा लगा? हाँ जैसे वीडियो में दिखाए थे वैसे सेम ही है, और आपको क्या पहले से तो और ज्यादा बेटर हो चुका है। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। आप भैया कहाँ से आए? ये हम आए गाजियाबाद से। कितनी बार मनोना धाम? ये दूसरे बार आए हैं। मेरे लड़के को जो है ना GBS बीमारी हुई थी, वो चल नहीं पा रहे थे। उन्होंने पहले मैं 28 या 29 तारीख में पिछले महीने आया था, बाबा ने चला करके मुझे दिखा दिए, बोला भी बाबा। हाँ इसके बाद से दोबारा हमको बुलाए हैं कि दोबारा आना तो मैं इन्हें दौड़ा दूंगा। बोले 15 दिन के अंदर में आना तो हम दौड़ा देंगे। आज हम आए हैं बाबा के पास, देखते हैं बाबा दौड़ा दें, बस यही दुआ मांग रहे हैं। आशीर्वाद तो बहुत मिला है, अब अपने आप छोड़ करके चलने लगे हैं। पहली बार में कितना आराम मिला बच्चे को? पहली बार में तो मुझे लग रहा है 80% मिल गया। 80% मिल चुका है? 80% मिल चुका है। ये तो बाबा का लाइव चमत्कार है। बहुत बड़ा लाइव चमत्कार है, हमने कभी उम्मीद भी नहीं किया था कि इतनी जल्दी दौड़ने लगेंगे, क्योंकि डॉक्टरों ने बताया था कि इसमें 4 से 5 साल लगेगा मूवमेंट आने में, लेकिन इतनी जल्दी मूवमेंट आया सब बाबा का कृपा है। तो मतलब एकादशी पर आज बाबा को धन्यवाद देने आए? बाबा को धन्यवाद देने आए हैं, बाबा का आशीर्वाद लेने आए हैं कि जल्दी से जल्दी मेरे बालक सही हो जाए। क्या कहना चाहोगे आप? मनोना धाम आज जो हार चुके हैं दुनिया से, वो ना आना चाहिए मनोना धाम? बहुत लोग हम तो कहते हैं और श्रद्धालु बढ़े हैं, आपकी वीडियो हम भी देखते हैं, सारे लोग को कुछ दिन जो यहाँ की वीडियो पड़ी थी मैंने सबको शेयर किया, सबको दिया कि देखो मेरे बाबा ने मेरे बालों को कैसे चला रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, और बहुत शक्ति है बाबा के पास। श्याम प्यारे के मनोना धाम से जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। कहाँ से आए आप? शाहजहानपुर से। कितनी बार मनोना धाम आ चुकी? 5वीं एकादशी है मेरी। हाँ क्या बाबा की कृपा मनोना धाम में हुई आपके साथ? मेरे साथ सोराइसिस था, मुझे काफी इससे आराम है, तो काफी थोड़ा सही हो गया है, तो थोड़ा और आगे सही हो जाएगा। सोराइसिस मतलब खुजली की समस्या रहती है? हाँ चर्म रोग होता है। चर्म रोग होता है। जी जी। तो मनोना धाम आने के बाद में कितना आपको कह सकते हो, कितना अनुमानित कितना लाभ? 50% हो गया है। तो आगे होगा, आगे भी पूरा होगा, ये दिल में भरोसा लेकर आया। बिल्कुल।